दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंडो एंग्लियन राइटर, एक इंडो एंग्लियन पॉइट तरुदत्त की लिखी हुई एक पोएम जिसका नाम है द लोटस। द लोटस दोस्तों एक सोनेट है जिसको पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा गया है, जिसमें एक पार्ट तो होता है शुरू की 8 लाइनें ऑक्टेव और बाद की 6 लाइनें होती है सेस्टेट। तो इस वीडियो में आज हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे। इस पोएम के अंदर तरुदत्त ने लोटस को ग्लोरीफाई किया है और कहा है कि लोटस जो है वो सबसे सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। लोटस का मतलब होता है कमल का फूल, एक टाइप का फूल होता है कुछ इस टाइप का। इस पोएम को शुरू करने से पहले हम इस पोएम की लाइनें गिन लेते हैं। 14 लाइनों की ये पोएम है, तो इसका मतलब ये एक सोनेट है। जो पोएम 14 लाइनों की होती है उसको हम बोलते हैं सोनेट। और सोनेट कौन सी है? ये पेट्रार्कन सोनेट, जो कि ऑक्टेव और सेस्टेट में बटी हुई होती है। शुरुआती 8 लाइनें ऑक्टेव और बाद की 6 लाइनें सेस्टेट। और इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस पोएम का कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ। ये पोएम तरुदत्त ने लोटस फ्लावर को बाकी सारे फ्लावर्स से बेहतर बताने के लिए लिखी है। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी ऑफ हिंदू कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हिंदू कल्चर में ये जो कमल का फूल है, खासकर कि हिंदू रिलीजन में इसका बहुत ही महत्व है। जैसे कि लक्ष्मी जी या फिर विष्णु जी, उनका जो फेवरेट जो फूल है वो कमल का फूल है, और बाकी पूजा पाठ में भी कमल के फूल का बहुत यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कमल के फूल को सुपीरियर बताना चाहती है, वो आगे हमें पता चलेगा। इस पोएम में क्या होता है कि ये गॉड ऑफ लव है क्यूपिड, वो जाता है फ्लावर की गॉडेस फ्लोरा के पास, और आगे क्या बोल, लव केम टू फ्लोरा, लव फ्लोरा के पास आता है आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फ्लावर की डिमांड करता है। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, इस लाइन का मतलब है कि वो यानी कि लव ऐसे फ्लावर की डिमांड करता है जो सभी फ्लावर्स की क्वीन होगा, एक अनडिस्प्यूटेड क्वीन होगा। अनडिस्प्यूटेड का मतलब जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, यानी कि जिसमें कोई झगड़ा वगैरह ना हो, सब उसको अपनी क्वीन एक्सेप्ट करें। सबका मतलब सारे फ्लावर्स उसको अपनी क्वीन एक्सेप्ट करें। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, तो इस लाइन का मतलब यह है कि दो फ्लावर्स बड़े खूबसूरत है, एक लिली एक रोज, तो ये दोनों बड़े लंबे टाइम से लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, एक दूसरे के राइवल्स हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं इस क्वीन वाले हाई ऑनर को पाने के लिए। ये दोनों ही जो फूल हैं सब चाहते हैं कि इनमें से किसी एक को ये हाई ऑनर मिले, क्वीन वाला। बार्ड्स ऑफ पावर यानी कि शक्तिशाली पॉइट्स, कुछ पॉइट्स हैं जिनमें बहुत पावर है, हैड संग देयर क्लेम्स, मतलब कि ये दोनों ही फ्लावर्स रोज और लिली ये अपने बार्ड ऑफ पावर का यूज़ करते हैं इस क्वीन वाले टाइटल को पाने के लिए। मतलब पॉइट्स उन दोनों के लिए ही लिखते हैं, मतलब इन दोनों के लिए ही गाते हैं, क्लेम करते हैं कि इस फ्लावर को बनना चाहिए क्वीन ऑफ फ्लावर्स, इस फ्लावर को बनना चाहिए क्वीन ऑफ फ्लावर्स। और अगली लाइन में क्या बोलती हैं पॉइट, कि द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर ज्यूनोमीन। यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि रोज होता है गुलाब का फूल, वो लिली की तरह कभी खड़ा नहीं हो सकता। वो जो पेल लिली है वो जुपिटर की वाइफ है जूनो, उसकी तरह है, तो रोज़ उस पेल लिली की तरह खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आगे पार्टस बोलती हैं बट द लिली लवलियर, कि क्या लिली रोज़ की तरह लवलियर है, एक सवाल पूछ रही है यहाँ पर पार्टस, कि क्या अगर रोज़ उसकी तरह खड़ा नहीं हो सकता तो क्या लिली रोज़ की तरह लवलियर है। दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन रंग द स्ट्राइव इन साइकी बावर, तो इस लाइन का मतलब है कि फ्लावर फ्रैक्शंस के बीच में, यानी कि फिर क्या हुआ इसके बाद में, फूलों के भी ग्रुप बन गए। फ्रैक्शंस का मतलब है ग्रुप्स, तो फ्लावर्स के भी ग्रुप्स बन गए, वो आपस में उनके बीच में लड़ाई हो गई। स्ट्राइव का मतलब लड़ाई हो गई, और रैंक का मतलब है क्लैश्ड, यानी कि आपस में भिड़ गए उस साइकी के बावर में। तो फूलों के बीच में भी लड़ाई हो गई, कुछ तो उसकी तरफ हो गए रोज़ की तरफ, कुछ हो गए लिली की तरफ। तो इसके बाद वापस लव फ्लोरा को बोलता है कि गिव मी अ फ्लावर डिलिशियस एज अ रोज, कि मुझे
ऐसा फ्लावर दो जो रोज़ की तरह डिलिशियस हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और लिली की तरह अपने प्राइड में खड़ा भी हो सके, ऐसा शानदार हो वो फूल, ऐसा कोई फूल दो। तो इसके बाद में फ्लोरा क्या बोलती है उससे, बट ऑफ वॉट कलर, तो वो फूल कौन से कलर का होगा। रोज रेड, लव फर्स्ट चूज, लव ने पहले चूज किया कि वो कलर रोज रेड जैसा होगा। देन प्रेड, नो लिली वाइट, फिर उसके बाद में अपना ओपिनियन बदल के लव कहता है कि नहीं नहीं वो लिली की तरह वाइट होगा। बोथ प्रोवाइड, कि आप ऐसा करो दोनों ही कलर उसमें डाल दो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, इसके बाद फ्लोरा ने उसे लोटस दिया। रोज रेड डाइड, उस पर रोज रेड कलर डाई किया हुआ था, एंड लिली वाइट, और लिली का वाइट कलर भी। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लूज, और ये फ्लावर सभी फ्लावर्स में एक रानी की तरह, एक क्वीन की तरह खिलता है। यहाँ दोस्तों ब्लूज का मतलब है ब्लूम, यानी कि फूल का खिलना। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।